अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ना आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जो लोग आग की पूजा करते हैं वो ये यहाँ पे ईरान में एक जगह है जो पहले किसी ज़माने में होती थी, अभी वो है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जहाँ पे लोग आग की पूजा करते थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे टिकट मिलती है तकरीबन कोई, यहाँ थोड़ी स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट वाली होती है, लेकिन जो आम लोग हैं वो तकरीबन कोई 500 की है टिकट। और ये एक हॉल है जहाँ पे इंटर होते हैं। और एक ज़माना था, किसी ज़माने में कोई 1400-1500 साल पहले आग की पूजा लोग करते थे, लेकिन अभी भी एक मखसूस तादाद जो आग को पूजा करने के लिए अभी भी है इस ईरान में, कोई 5-6 हज़ार होंगे या 10 हज़ार। मैंने पूछा है काफ़ी लोगों से, वो कहते हैं अभी भी हैं, लेकिन बस मोस्टली लोग यहाँ से हिजरत कर गए हैं, चले गए हैं, कोई अमेरिका निकल गया है, कोई बेसिकली ये सारे लोग अब इसराइल इकट्ठे हुए हैं, जो इस किस्म के पारसी लोग थे ना। पारसी लोग कुछ जो है ना कराची भी थे, लेकिन वो कराची से भी लोग अब निकल चुके हैं। तो ये है वो, अंदर मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ एक इनका म्यूज़ियम भी है, मैं पूछता हूँ, वो म्यूज़ियम है इधर। काफ़ी फॉरनर लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आज स्पेशली मैंने इसके लिए टाइम लिया कि आज मैं दिखाऊं। वी नीड टू सी म्यूज़ियम, कैन यू हेल्प। अभी एक यहाँ छोटा सा उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, वो देख लेते हैं, उसके बाद अंदर जो है ना अगर वो खुला है तो वो देखते हैं पहले, उसके बाद आपको वो आग वाली जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे आग जली हुई है और आग ये है, ये लिखा हुआ है फायर टेंपल उस तरफ है। यहाँ पे एक गैलरी है, गैलरी दिखाते हैं पहले। मैं एक दफ़ा पहले भी आया था, लेकिन मैंने उस वक्त कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं की थी कि मैं कोई आप लोगों को भी दिखा सकूं, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं। ये है इनका म्यूज़ियम जो उस ज़माने से इन्होंने रखा हुआ है, कुछ एक्टिव चीज़ें रखी हुई हैं। और ये लिखा हुआ है कुछ फारसी में, पता नहीं है मुझे क्या है। ये जो आग जलती है उसकी तस्वीर है। इनकी कोई किताबें भी हैं जिनको ये मुस्तनद मानते हैं, ये भी सामने रखी हुई हैं। अब वो किस किस्म की हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं है। यहाँ पे कुछ गाइड भी बैठी हैं, दो ख्वातीन, वो यहाँ पे गाइड करती हैं। ओके, थैंक यू। तो पहले मुझे कह रही थी कि तस्वीर ना बनाए हमारी, लेकिन मैंने कहा ओके, हम आपकी नहीं बनाते, वैसे बाकी चीज़ों की बनाते हैं, लेकिन तस्वीरें उन्होंने कुछ ख़वातीन की। और ये शादी कैसी होती है, वो शादी वाला नज़ारा रखा हुआ है, ये शादी वाला है, शादी में क्या चीज़ें लोग लगते हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है जिसको ये लोग अपना वो मतलब क्या पैगंबर समझ लें, या जो भी आग को बन पूजने वाला जिसने ये शुरू किया था, ये उसकी तस्वीर इन्होंने रखी हुई है। और उसके ऊपर एक मोनोग्राम भी बना हुआ है जिसमें परिंदे के पर और उसके ऊपर जो है ना इंसान का अटैच है स्ट्रक्चर, ज़रथुश्त्रा बायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी है कि हमारा जो है ना
जो टाइम था बर्थ थी उस टाइम में 1767 BC की इन्होंने लिखी हुई डेट के यहाँ पे इस टाइम में बर्थ हुई थी इस बंदे की। अब ये सही है गलत है ये नहीं पता। ये है कुछ और फोटोग्राफी और If we see here in close, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अकीदे ये अब ख़त्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी क्यों कि ये इंटरनेशनली लोग यहाँ पे विज़िटर आते हैं और तो इन्होंने सारी चीज़ें वो सेव करके रखी हुई हैं। इनकी कल्चरली और सकाफत में क्या क्या होता है और घरेलू में ये कैसे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे हैं खुश्क फ्रूट और इस किस्म की चीज़ें। एक बंदा होता है फर्ज करो वो कैसे अपने इनके लिबास को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये लिबास है हमारा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और एक खातून के लिबास को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये खातून का लिबास हमारे कल्चर में कैसे होता है। जो पारसी लोग होते हैं आग को पूजने वाले ये अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को इस किस्म की हैं। ओके अब हम आग को देख लेते हैं। आग कैसे चलती है और आग कैसे दिखती है। फॉरनर लोग आए हुए हैं कुछ कोई अपने वीडियो स्टैंड लेके वीडियो जो प्रोफेशनल हैं वो बनाते हैं। जो अब फायर टेंपल में आपको आग दिखाते हैं कि जो आग जल रही है। यहाँ पे एक रश लगा हुआ है। ये आग जल रही है जो ये इसकी पूजा की जाती है। आग ऐसे कोयलों वाली आग है, कोई खास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये सामने चेयर नज़र आ रही है, यहाँ पे चेयर नज़र आ रही है खिड़की के बाहर। वहाँ लोग बैठ के अपनी जो इबादत और जो उनके मुताबिक चीज़ें हैं वो करते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना और वो दूसरा दरवाज़ा वो बंद है जहाँ पे वो अंदर जाते हैं और अपनी बैठ के पूजा करते हैं। तो ये जो बाकी आम लोगों के लिए जो है वो ये शीशे वाली जगह है, यहाँ से नज़र आता है। लेकिन उनके लिए वो दरवाज़ा खुला होता है, वहाँ शीशा नहीं है लेकिन वो गेट बंद है। वो सामने गेट दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा बंद है। तो यहाँ से वो अंदर दाखिल होते हैं। तो ये अभी लॉक है। बाकी यहाँ लोगों को जो आम जैसे आए हुए हैं फॉरनर, उनके लिए ये बड़ी वो है। आप देख सकते हैं बस यहाँ तक आके ये आग को देख के चले जाते हैं। आज की मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आग मैंने आपको दिखा दी है कैसे होती है। बाकी कुछ लोग बैठे हैं, किसी कोई बैठ के कर रही हैं। अब ये पता नहीं है ये वही उनके मज़हब वाली हैं या नहीं है, लेकिन लोग बैठे ही हैं अभी कुछ।
कुछ बैठ के या कुछ इसको एक गाइड भी है, लेकिन गाइड को जो है ना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाइड को अंग्रेज़ी नहीं आती, तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये एक हिस्टोरिकल जगह है जो बहुत ही पुरानी है, ज़रतश्तियान। आग को पूजा करने वाले लोगों के, मतलब ये टेंपल है इनका। तो अब की वीडियो इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।